ग्वालियर में प्रदेश स्तर के दो कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव साहिब सिंह गुर्जर पर प्रदेश महामंत्री दशरथ सिंह गुर्जर ने मारपीट और धमकाने का आरोप लगाया है। उनकी शिकायत के आधार पर गोला का मंदिर थाने में मामला भी दर्ज किया जा चुका है। साहिब सिंह गुर्जर ग्वालियर ग्रामीण के कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार हैं और वो लगातार टिकट के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों ही कांग्रेस नेता आपस में रिश्तेदार हैं। दोनों के बीच किसी बात को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जो फरियादी पक्ष है और इसमें जो तथाकथित आरोपी पक्ष है, दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। आज सुबह कहीं जैसा उन्होंने FIR में वर्णन किया है, अपने कहीं किसी एक कॉमन जगह पर बैठे हुए थे, किसी पुरानी आपस में बातचीतों को लेकर उनमें कुछ कहा सुनी हुई थी और उसी को लेकर फरियादी पक्ष की तरफ से एक गाली गलौज करने और धमकाने की एक FIR दर्ज हुई है। इसमें अभी FIR हमने दर्ज कर लिया, आगे इसमें जो भी स्वतंत्र साक्षी होंगे और जो इसमें हमारे पास जो साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।